हल्द्वानी शहर का बाजार 30 सितंबर को बंद रखने के मामले में अब संयुक्त व्यापार संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है। अब कल हल्द्वानी का बाजार बंद नहीं रहेगा। बता दें कि व्यापारियों द्वारा सोमवार को प्रस्तावित हल्द्वानी बाजार को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल मंगल पड़ाव के से लेकर रोडवेज चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही 101 दुकानों को तोड़ने के मामले का विरोध किया गया था, जिसके चलते मंडी परिषद अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कपूर, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट द्वारा संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया गया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री से जल्दी समिति की वार्ता कराई जाएगी। वहीं व्यापारियों द्वारा इस आश्वासन पर बाजार बंद वापस ले लिया गया। अब 30 सितंबर सोमवार को संपूर्ण रूप से बाजार खुलेगा। वहीं इस मौके पर संयुक्त व्यापारी संघर्ष समिति के पदाधिकारी को व्यापारिक संगठन, राजनीतिक और सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों ने समर्थन दिया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। थे जितने भी संगठन थे वो खुद व्यापारी जो है बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं शासन प्रशासन द्वारा एक आश्वासन मिला है कि उनको दुकानें वगैरह मिलेंगी। और साथ ही एक संदेश भी देना चाहूँगा, कुछ व्यापार मंडल ऐसे हैं जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, उनके मुख्य पदाधिकारी जो अपना इसमें लाभ और हानि देख रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पर व्यापारी हित की बात आए वहाँ पर बाजार बंद का जो आह्वान किया गया था, आज उसको सारे व्यापारियों एकता की समिति के जो भी थे सब वहाँ पर बैठे हुई और उन्होंने ये कहा है कि कल बाजार खुलेगा, क्योंकि शायद मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और उसके संबंध में ही आगे व्यापारियों को उसकी रूपरेखा तैयार कर दी जाएगी और फिर सब व्यापारियों को सूचित कर दिया जाएगा और कल बाजार खुलेगा। तब मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाजार बंद की जो कॉल थी संयुक्त व्यापार संघर्ष समिति द्वारा थी। संयुक्त व्यापार संघर्ष समिति द्वारा कल एक प्रेस वार्ता करी गई थी, जिसमें एक कल बाजार बंद की घोषणा करी गई थी। आज डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू मंडी परिषद के अध्यक्ष जी द्वारा एक आश्वासन हमें दिया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हल्द्वानी आने का हो रहा है, जिसमें हम आपकी वार्ता कराएंगे, कुछ ना कुछ आपको सकारात्मक हल इसमें निकालेंगे।